उमेश यादव की जगह इन तीन खिलाड़ियों में से किसी एक को मिल सकता मौका। नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को जीत मिली, वहीं दूसरा मुकाबला भारतीय टीम ने जीता। आगामी दो मैचों में जिस टीम को जीत मिली है वह टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की विजेता बनेगी। इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बुरी खबर आई, जिसमें टीम के स्टार गेंदबाज उमेश यादव चोटिल होने की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए। उमेश यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान गेंदबाजी करते हुए चोटिल हुए थे। दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए उमेश यादव चोटिल हुए और फिर वापस लौट गए, जिसके बाद में गेंदबाजी करने नहीं आए। अब रिपोर्ट आ रही है कि उमेश यादव पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं। टीम इंडिया उमेश यादव की जगह लेने के लिए तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें आगामी मैच में टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। नंबर एक, नवदीप सैनी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज नवदीप सैनी उमेश यादव की जगह लेने के प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ था तो उस दौरान नवदीप सैनी को टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया गया था। अगर उन आंकड़ों पर नजर डाले तो उनके आंकड़े अच्छे रहे हैं। नवदीप सैनी ने अब तक कुल 46 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 28.46 की औसत से 128 विकेट झटके। उनकी गेंदबाजी की लाइन लेंथ भी काफी बेहतरीन है, जिसकी वजह से वह टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। नंबर दो, शार्दुल ठाकुर। भारत के स्टार तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन वह फिलहाल टीम के साथ है। ऐसे में अगर भारतीय क्रिकेट टीम उन्हें टेस्ट टीम में उमेश यादव के विकल्प के रूप में देखती है तो वह टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करती है। शार्दुल ठाकुर के आंकड़ों पर नजर डाले तो उनके प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहे हैं। उन्होंने अब तक कुल 62 फर्स्ट क्लास मैचों में 206 विकेट झटके। शार्दुल ठाकुर के प्रदर्शन पर नजर डाले तो वह टीम इंडिया में डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन वह उस मैच में नहीं खेल सके थे क्योंकि वह चोटिल होने की वजह से मैदान से बाहर हो गए। नंबर तीन, टी नटराजन। भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक नेट गेंदबाज के तौर पर गए और वनडे एवं T20 में डेब्यू करने वाले स्टार क्रिकेटर टी नटराजन भी टेस्ट टीम में उमेश यादव की कमी पूरी कर सकते हैं। अगर उनके प्रदर्शन पर नजर डाले तो वह फिलहाल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में टीम को उम्मीद होगी कि वह टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। टी नटराजन के घरेलू क्रिकेट करियर पर नजर डाले तो अब तक उन्होंने 20 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें उन्होंने 64 बल्लेबाजों को आउट करके वापस पवेलियन भेजा। इस दौरान उन्होंने 3 बार एक पारी में 4 विकेट और 3 बार 5 विकेट झटके। फिलहाल उमेश यादव की जगह लेने के लिए जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि टी नटराजन टेस्ट टीम में डेब्यू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।